बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अहमद फ़ारूक हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर अहमद चिट्ठा साहब, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अमराज़े कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हॉस्पिटल वाक़िया सत्याना रोड अपोजिट मैकडोनल्ड, इधर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स इनसे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हो चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर तनवीर अहमद चिट्ठा साहब जैसे मायानाज डॉक्टर, जिन्होंने अमेरिका में डिफरेंट स्टेट्स में न्यू हॉस्पिटल में और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में अपनी सर्विसेज दी हैं काफ़ी अरसे तक, कैंसर के डिपार्टमेंट में मरीजों का इलाज करते रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि जिगर का कैंसर ये दुनिया के उन चंद एक कैंसर्स में हैं जो कि आए दिन ब दिन जिनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर करंट अदादोशुमार देखें तो दुनिया में जिगर का कैंसर पाँचवें नंबर पे मोस्ट कॉमन कैंसर है, जिसे हम हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कहते हैं, और बिलखसूस साउथ ईस्ट एशिया में, जनूब एशियाई ममालिक में जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक जैसे जापान, थाईलैंड हैं, इनमें जिगर कैंसर बढ़ने की सबसे अहम वजह हेपेटाइटिस है। और हेपेटाइटिस बी और सी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जहां बहुत ज़्यादा मरीज़ आपको देखने में मिलते हैं, और कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें हेपेटाइटिस की वजह से लिवर सिरोसिस हो जाता है, यानी जिगर सिकुड़ना शुरू कर देता है। जब जिगर के अंदरूनी साख के अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं तो इनमें कैंसर होना बहुत ज़्यादा लाइकली होता है, यानी इनमें कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर तबी साहब से हम इस मौजू पे कुछ अहम सवालात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जिगर के कैंसर की बढ़ती हुई वजूहात क्या हैं, इनके ऊपर आप रोशनी डालें। जिगर के कैंसर की बढ़ती हुई वजूहात में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात ये है कि हेपेटाइटिस और बी और सी की लगातार इन्फेक्शन और उसके ड्रॉबैक्स जो कि हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी के साथ फैली हैं, और इस बीमारी के लगातार मौजूद रहने से और हेपेटाइटिस सी और बी के लगातार वायरस इंसानी जिस्म में रहने से जिगर की साख्त बहुत बुरी तरह मुतासर होती है, और जिसकी वजह से सरोसिस, जिसकी वजह से जिगर का सिकुड़ना और जिगर के फैलाव, जिगर की बीमारी का फैलाव बढ़ते हुए हेपेटाइटिस सी के कैंसर में बदल जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस माशरे में देखी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर की, जिगर के कैंसर के बहुत ज़्यादा केसेस हम रोज़मर्रा मर्ज के साथ हम देखते हैं, और इनके इलाज से ज़्यादा इसकी प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी डॉक्टर तनवीर, आप ये बताएं कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की, इसकी प्रिवेंशन, ऑलवेज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो इस परहेज़ में क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं कि जिगर का, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हेपेटाइटिस से बचने के लिए अवामी आगाही के प्रोग्राम किए जाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ ख़ास तौर पे आप बारबर के पास जाते हैं तो उधर रेजर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, इन चीज़ों को शेयर करने से अवॉइड करें। घर में बहुत सारी चीज़ें जो शेयर बाज़ दफ़ा कर ली जाती हैं, बाई मिस्टेक शेयर हो जाती हैं, टूथ ब्रशेज शेयर हो जाते हैं, उससे हेपेटाइटिस फैलता है। तो हेपेटाइटिस से जहाँ आप बचाव की एहतियाती तदाबीर कर रहे होते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगवा रहे होते हैं, अपने बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगवा रहे होते हैं ताकि आपको हेपेटाइटिस ना हो। जब हेपेटाइटिस नहीं होगा तो जिगर के कैंसर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इन एहतियाती तदाबीर के अलावा भी जिगर के कैंसर से बचाव के लिए कुछ स्पेशल मेजर्स किए जा सकते हैं। जिगर कैंसर से बचने के लिए वो बीमारियां जो जिगर की वजह बनती हैं अगर उसका तदारक कर लिया जाए तो ये बहुत ही आसान होगा कि जिगर के मरीजों का नंबर हम कम कर सकें। और इसका तदारक जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन और हेपेटाइटिस सी का 3 महीने का कोर्स,
बहुत ही ज़रूरी है उन मरीज़ों के लिए जिनकी बीमारी अभी इब्तदाई शक्ल में हो, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन बिफोर हैंड अगर हर मरीज हर फर्द लगवाना शुरू कर दे तो हम समझेंगे कि हम हेपेटाइटिस सी के मर्ज से जो जिगर का कैंसर है उससे बचाव की एक बहुत बड़ी तदारक की ये सूरत में निकल आ सकती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस के की वजह ना सिर्फ ये कैंसर है बल्कि कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका अर्ली ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने कहा सिरोसिस का अर्ली ट्रीटमेंट मरीज़ की ज़िंदगी को बढ़ावा देने का एक मदावा है, और मरीज़ का मर्ज़ जिगर के कैंसर में बदलने की सूरत नहीं अख्तियार कर सकता। ये बातें या जैसे कि डॉक्टर फारूक ने बात की है बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जिगर के कैंसर को बचाने के लिए। जिगर के इलाज, अगर आपका कैंसर हो गया है तो उसके इलाज में बहुत सारी बातों के अलावा ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम इन मरीज़ों को उन लोगों से अलग रखें, उन लोगों से दूर रखें, और उनकी प्रिवेंशन के तरीके जैसे कि डॉक्टर फरूक ने बताए हैं वो भी इन पर अप्लाई करते रहें, और उनकी उनके लिए मेडिसिन जो कि TKI की शक्ल में इस हमारे पास मौजूद हैं जिसके एवरेज सर्वाइवल जो सा मरीज़ के साथ अगर मर्ज़ की बीमारी नहीं बढ़ी हुई तो कम अज़ कम 1 साल से 18 महीने तक है, जिसकी वजह से हम मरीज़ को ये दिलासा दे सकते हैं कि वो मर्ज़ के साथ उसकी ज़िंदगी के कुछ महीने हैं जो वो अच्छी तरह गुजार सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तनवीर साहब ने जिगर की कैंसर के ऊपर इसकी वजूहात इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत इलेबोरेटिव टॉक की है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल डॉक्टर तनवीर साहब। अगर आप डॉक्टर तनवीर अहमद चट्ठा साहब से कैंसर की किसी भी शोबे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो नीचे इनका नंबर शो हो रहा है जिस पे आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।